आविष्कार की ओर से मैं हेमलता राठौर एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज वैलेंटाइंस डे है। वैलेंटाइंस डे मतलब प्यार और रोमांस का दिन। रोमांटिक गानों की जब बात करें तो ओपी नैयर से बेहतर हम किसी और संगीतकार का नाम कैसे दे सकते हैं। इतने रोमांटिक गाने बनाए उन्होंने, उन्हीं में से कुछ चुनिंदा गानों को लेकर हम अपना सेकेंड एपिसोड ओपी नैयर स्पेशल आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कृपया अपने लाइक और कमेंट्स, और अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। योर स्ट्रेंथ डजंट कम फ्रॉम योर विनिंग, इट कम्स फ्रॉम योर स्ट्रगल एंड हार्डशिप। दौड़ हो, युद्ध हो या कोई बहस, जीतना तो सभी चाहते हैं, पर हारने वाले की भी इन सब में अपनी एक अहम भूमिका होती है। और बात जब रिश्तों की आती है तो हारने वाला एक अलग ही मुकाम पर ले जाता है हमें। और जब बात प्यार की हो तो तुम जीते हम हारे इन शब्दों से प्रेम और सुदृढ़ हो जाता है। बॉलीवुड ने इसी फीलिंग को बहुत भुनाया है, जैसे जो तुमको वो पसंद वही बात कहेंगे, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ। और ऐसा ही एक गीत में लेकर आ रही हूँ आपके बीच, ये लो मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे, काहे का झगड़ा वाला नई नई गीत। झगड़ा पालम ने
नई नई प्रीत रे, लैलों में हारी पिया हुई तेरी जीत रे, काहे का झगड़ा बालम नई नई प्रीत रे। And welcome to this program. Men are from Mars and women are from Venus. That's a simile that are being used for the diversity that we have in men and women. So we go out of our planet for Mars and Venus and we talk about them. But when it comes to the beauty of a loved one, we are much closer to Earth when we discuss it. We call them Moon, Chand. So Moon has been the most popular simile that has been used for the beauty of a woman for years, in poetry, in songs, in prose, everywhere. So the brightness, purity, different sizes, different moods of moon have always been so similar to women that moon is being used for many, many years. It's been used in our songs also, and so many songs have been written with moon as a simile for the beauty of a woman. Women's beauty has been discussed in so many songs in Bollywood too, and some songs like Chand Jaise Mukhde Pe Bindiya Sitara, Chand Aahe Bharega, Chaudhri Ka Chand Ho, Chandni, Chand Sifarish Karta. So many songs have been made and so beautiful songs, and कभी बोर नहीं हुए उससे, हमेशा अच्छा ही लगा है. जब चांद बोलता है ना कोई तो अच्छा ही लगता है. It's a pleasure for a woman. We now present an evergreen song and the subject is चांद. ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा. It has been composed by श्री ओपी नैयर and sung on screen by Shri Mohammad Rafi. The performances of Shammi Kapoor and Sharmila Tagore are beautiful, excellent, and I think even today when we see that song, the freshness comes across. Kashmir looks, I have not seen Kashmir looking more beautiful in any other song but this. It is being presented today by Nihar Nagar, who is a very, very versatile and a great singer of Avishkar Group, and please enjoy. ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे. है चाल में तेरे जालिम, कुछ ऐसी बला का जादू, सौ बार संभाला दिल को पर होके रहा बेकाबू. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. हर सुबह किरण की लाली
है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली, साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली, साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। दुबल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सरोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये जींस नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मैं खोज में हूँ मंजिल की, और मंजिल पास है मेरे, मुखड़े से हटा दो आंचल, हो जाए दूर अंधेरे, हो जाए दूर अंधेरे। माना कि जलवे तेरे कर देंगे मुझे दीवाना, जी भर के तुझे मैं देखूं अंदाज तेरा मस्ताना। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सरोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। 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 हेलो, दिस इज कार्मिना एंड वेलकम। ढोलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, द्वारका, तक्षशिला, नालंदा, these are some names that I've taken of places which are we are all aware of. These are the parts, the places in India and some in Pakistan, and this signifies our ancient civilization, which was almost 5000 years and more, where Indus Valley civilization flourished on the banks of river Indus. We have found proofs in all these places where our civilization was using ports, wheels, medical facilities, education systems, libraries. India was one country where all these things became existent even before the world ever knew about it. We were cooking, we were farming, and we were developing. We have a lot to thank our archaeologists who have gone into such long excavations and very, very long time consuming excavations, which have resulted in us getting all this information about our own culture. So they are so important, and the work that they've done is fantastic. In our Hindi cinema world also, some movies have been produced especially with archaeologists as a subject. One of the movies, Guide, was a fantastic movie, and one of the character was an archaeologist. And another movie, Ye Raat Phir Na Aayegi, was again on a similar line, where the subject was archaeology
And the topic and the characters were also archaeologists. The movie released in 1966, and the star cast was Vishwajeet, Sharmila Tagore, Mumtaz. The love story in the movie was entwined in the subject of archaeological expeditions. O.P. Nair composition. This song has a different flavor of O.P. Nair's music, and the performance by Asha Bhosle again is fantastic. It's beautiful, beautiful song, very, very soulful, and a love song, very beautiful. Today, it is being presented by one of the pillars of Avishkar Group, Hemlata Rathorji, who is also a very, very popular anchor and a lovely singer. It is being presented with live music by our own Debashish Ji, who is on tabla, and Shri Bhupendra Barod Ji, who is on piano, in the true Avishkar style. Please enjoy. तस्वीर